हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल विश्वकर्मा। सो मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया जिसका नाम है चिंटू। वो मुझसे पूछता है कि मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है तो क्या उसके लिए हाईफाई लैपटॉप की ज़रूरत है क्या? मेरा तो बजट एकदम हिला हुआ है, तो क्या आप मुझे कोई लैपटॉप रिकमेंड कर सकते हो? तो देखो, आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कोई भी हाईफाई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल लैपटॉप में भी प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, आपको एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, उसके हिसाब से अपना बजट और लैपटॉप आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, कोई भी कोडिंग के लिए अगर आप लैपटॉप ले रहे हो, उसके लिए तीन चीज़ आपको ध्यान देनी है। पहला है रैम, उसके बाद है प्रोसेसर, उसके बाद है स्टोरेज स्पेस, ठीक है, यानी कि हार्ड डिस्क। तो पहले देखते हैं रैम कितना रिक्वायर्ड है। रैम आपको मिनिमम 8 GB होना चाहिए अगर आप कोडिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हो तो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो लैपटॉप है उसमें रैम एक्सपांडेबल है कि नहीं है, यानी कि आगे जाके आप बड़े बड़े जब सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो, उसमें अगर कोडिंग करोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रैम की रिक्वायरमेंट है। तो आपके जो रैम होना चाहिए वो एक्सपेंडेबल होना चाहिए, 8 GB से 16 या 32 GB तक, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, आपका जो रैम होना चाहिए, अगर सपोज 8 GB का आप ले रहे हो, तो रैम 8 GB का दो दो चिप तो नहीं है, 4-4 GB का, ठीक है। यानी कि अगर आप कल को जाके उसको एक्सपांड करोगे तो 4-4 GB का जो रैम का चिप है वो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप 8-8 GB का अगर 16 GB आकर एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, 8-8 GB का दो चिप लोगे, राइट। तो यानी कि वो 4-4 GB का जो होगा वेस्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लैपटॉप का ब्रेन, यानी कि उसका प्रोसेसर। तो देखो, अभी दो मेन कंपनी है जो लैपटॉप के लिए प्रोसेसर बनाती है, एक इंटेल है और AMD है, ठीक है। अगर आप इंटेल में जा रहे हो तो इंटेल के लिए आप मिनिमम जो प्रोसेसर रिक्वायर्ड है वो है i3 प्रोसेसर, ठीक है, वो भी 9th generation या उससे ऊपर वाला, ठीक है। अगर आप AMD में जा रहे हो, AMD का प्रोसेसर ले रहे हो, तो उसके लिए राइजन प्रोसेसर, AMD राइजन, और उसका भी जो 5000 सीरीज़ है ना, 5000 के ऊपर वाला, ठीक है, 5000 या 5000 के ऊपर वाला आपको राइजन प्रोसेसर लेना है, ऑलराइट। उसके बाद आते हैं हार्ड डिस्क, यानी कि स्टोरेज स्पेस। तो मोस्टली लोग क्या लगाते हैं, HDD, यानी कि हार्ड डिस्क लगाते हैं, जो इतना फास्ट नहीं होता है। अगर आपने मैकबुक देखा रहेगा तो मैकबुक बहुत ही फास्ट चलता है, राइट। वो किसकी वजह से चलता है, SSD, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव उसमें होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके लैपटॉप में देखना है कि मिनिमम 256 GB का SSD है कि नहीं है, ठीक है। मिनिमम 256 GB का SSD आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको फास्ट कोडिंग करना है तो, ऑलराइट। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, SSD थोड़ा बढ़ा लो, 512 GB का SSD लो, ठीक है। और ऐसा नहीं तो दूसरा एक ऑप्शन आता है कि 256 GB का आप SSD ले लो और 512 GB का आप HDD ले लो। यहाँ पे आपका ज़्यादा स्पेस भी मिल जाता है और लैपटॉप भी फास्ट चलता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपका जो SSD का स्पेस है वो भी एक्सपेंडेबल होना चाहिए, वो भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको रिक्वायर्ड है अगर आप कोई भी कोडिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हो तो। अब मुझसे चिंटू पूछता है कि क्या इसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगेगा? तो देखो, कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए मेरे हिसाब से ग्राफिक्स कार्ड इतना रिक्वायर्ड नहीं है। जो इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड आता है प्रोसेसर के साथ वो काफ़ी होता है, ऑलराइट। उसके बाद चिंटू पूछता है कि ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन बताया है, ये जो लैपटॉप्स आएंगे वो कितने के आएंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के? तो मेरे हिसाब से देखो, मैंने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से इस कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप आपको 35,000 से 45,000 के बीच में आ जाएंगे आराम से। तो मैं क्या करूँगा, 4-5 लैपटॉप के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। अब चिंटू बोलता है कि उसका तो 35,000 से 45,000 का बजट नहीं है, उससे कम में कुछ ऑप्शन बताओ। तो दूसरा ऑप्शन मैंने उसको बताया, कंप्यूटर या डेस्कटॉप असेंबल कराने का, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 35,000 से 45,000 का बजट नहीं है तो आप दूसरा काम कर सकते हो, असेंबल करवा सकते हो। वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन एक ड्रॉबैक होता है कि आप उसको कहीं पे भी ले नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप तो घर पे बैठ के भी सीख सकते हो, राइट। तो वो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप असेंबल करवाते हो तो वो आपको पड़ेगा कम से कम 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में, ठीक है। अब चिंटू बोला कि मेरा तो इतना भी बजट नहीं है, तो मैंने उसको दूसरा ऑप्शन दिया, सेकेंड हैंड लैपटॉप का, ठीक है। तो आप सेकेंड हैंड लैपटॉप भी ले सकते हो सेम कॉन्फ़िगरेशन में, 20,000 से 25,000 में आपको मिल जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितना यूज़ किया गया है और उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है उसका प्राइस। चिंटू बोला और दूसरा ऑप्शन बताओ, तो दूसरा ऑप्शन है सेकेंड हैंड डेस्कटॉप का। तो सेकेंड हैंड डेस्कटॉप या कंप्यूटर आप ले सकते हो, उस वो आपको 15,000 से 20,000 या 25,000 में आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा। थोड़ा अच्छा भी कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है,
बात वही है कि कितना टाइम यूज़ किया गया है और कितना उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसके ऊपर उसका प्राइस मिलता है। और दूसरा काम आपको करना है कि अगर आपको और कम प्राइस है तो दुकान में जाके जहाँ पे सेकंड हैंड लैपटॉप या कंप्यूटर मिलता है वहाँ पे आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, ठीक है। और गाइस, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग के लिए। देखो, अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप मोबाइल में भी सीख सकते हो, बट मैं रिकमेंड इतना नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऑलराइट, अगर आप नया मोबाइल लेने देख रहे हो और नया लैपटॉप भी लेने देख रहे हो तो मैं बोलूँगा मोबाइल में थोड़ा कम खर्चा करके, कम बजट का मोबाइल लेके एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा लैपटॉप में या कंप्यूटर में डाल दो, क्योंकि लैपटॉप या कंप्यूटर ना आज के दिन में बहुत ही नेसेसिटी है और वो आपको 100 गुना रिटर्न दे सकती है अगर आप अच्छे स्किल्स पे काम करोगे तो। ऑलराइट, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। अगर इसके बाद भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।